तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए, सिर्फ मुझे। Isn't it amazing? Beautiful, amazing. Right, खुद ही इतनी smart और खूबसूरत है कि dress इसको naturally compliment करेगा. You know, mom, I am so happy today. मैंने जैसा सोचा था आपने बिल्कुल वैसी डिजाइन की है. फिर भी आप इसे ले जाइए और घर पे try करके जरूर देखें. कोई भी कमी पेशी हो तो do let me know and I'll get it sorted for you. Sure, I'll definitely try. और हाँ, अपने ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. Sure, why not? Wait a second. Here is my wedding invitation. मैं तो स्पेशली चाह रही थी कि आप मेरी वेडिंग पे आएं. जरूर आइएगा. हाँ. Thank you. I'll try my best to come. You have to. Thank you. आप प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी आपका ड्रेस पैक करवा देती हूँ. Just give me 5 minutes. Sure. Okay. Sure. Thank you. Thank you. शानी, इतनी रात को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस वो कुछ फाइल्स अरेंज कर रहा था. ठीक है, घर जाओ. ठीक है सर. अरे सुनो, वो जिस मॉडल ने आना था वो कब तक आएगी? सर वो बस आती होगी, 11 बजे का टाइम दिया था उसे. ठीक है, फिर तुम जाओ. सर मुझे रुकना नहीं है. नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूंगा. एक्चुअली सर उसकी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ चल रही है. मैंने कहा ना कि तुम जाओ, फोन पे कोऑर्डिनेशन कर लेना. मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया. ना जाने ऐसी कौन सी खुफिया मुलाकात करनी है इसने. ठीक है सर. जाओ. अच्छा सुनो, वो ईमान के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? मैं ये चाहता हूँ कि उसको दोबारा से ऑन बोर्ड कर लें. नहीं सर, फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा. कोई भी उसके बारे में अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताना. ये बार बार मुझसे ईमान के बारे में क्यों पूछता है? बताता हूँ इसे अच्छी तरह.
बेवकूफ समझ रखा है मुझे। जाओ। क्या चाइल्डिश हरकत है, एक जरूरी ईमेल कर रहा था। तुम इतने सेल्फिश इंसान होगे ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हुआ क्या है। गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों कॉल करता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी भी तुमसे नाराज होंगी तो तुम मुझे मनाओगे नहीं। हाँ नहीं। How mean? हम पर कुछ तो ख्याल करो, ऑफिस है ये। तो मेरा ऑफिस है ये और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा बैठो फिर बात करते हैं। नहीं पहले तुम अपनी नाराजगी खत्म करो। मैं नाराज नहीं हूँ पर मैं बस 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 मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। हाँ बस इतना कह दो कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा आई एम फाइन। पक्का? पक्का। हारे तुम जानते हो मेरा ब्राइडल ड्रेस सिल के आ गया एंड इट लुक्स सो स्टनिंग। वाओ ग्रेट। तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर, बस एक जरूरी ईमेल कर लूं फिर चलते हैं। फिर काम। ओके मैम, आप नाराज ना हो, चलिए। वेल डन ईमान, क्लाइंट तुम्हारे काम से बेहद खुश है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत दिल से मैंने वो ड्रेस तैयार किया था, अब बस अल्लाह ताला पहनने वाली को नसीब करे, क्योंकि सबके नसीब में ये ऐसे ड्रेसेस नहीं होते। कम ऑन ईमान, ऐसी बातें नहीं करते, तुम खुशी से अपनी कामयाबी को एंजॉय करना सीखो। जी मैम। ईमान मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि तुम एक सुपर टैलेंटेड लड़की हो। थैंक्स मैम, आप मेरे लिए हमेशा से बहुत मोटिवेशनल रही हैं। I'm always there for you, ईमान। और हमारी बेबी डॉल कैसी है? उसी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसकी। ओह अच्छा, चलो तुम उसका ख्याल रखो और अगर मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके? नहीं मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अगर क्लाइंट की तरफ से डिज़ाइन में कोई चेंज आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जी मैम बिल्कुल ठीक है। चलो ओके बाय ईमान। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी कहें
गया है, मेरी बच्चे को आज क्यूट नहीं हो रही है। हाया प्लीज चुप जाओ। सो जाओ हारिब। जी भाभी। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा रहा हूँ भाभी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने आया था। क्या ईमान के बारे में सोच रहे थे? इस वक्त मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? ये तो तुम्हें ही पता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता हारिब। तुम लाख छुपाना चाहो मगर तुम्हारी आंखों और चेहरे से साफ जाहिर होता है कि तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। बहरहाल तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज तो कर ही चुके हो, तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। अंबर, आ रही हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है, तुमने चेंज भी कर लिया। सो अब ये नहीं कहना कि मुझे घूंघट निकाल के तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी रवायत है। हारे प्लीज बी प्रैक्टिकल। बाय द वे, मैं तो तुम्हें बहुत ही मॉडर्न समझती थी, लेकिन तो बहुत टिपिकल हो। बात ये नहीं है। बात जो भी है बाद में कर लेंगे, अभी मैं बहुत थक गई हूं और मुझे आराम करना है। हाँ तुम भी जल्दी से चेंज करो। Thank you.
بات کی تھی میں نے اس سے. ہم دونوں ساتھ ہی چلیں گے ان کے. ہاں شیور. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم بابا. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. بھائی یہ خوبصورت کپل کہاں جا رہا ہے؟ میرے فرینڈ کے یہاں پارٹی ہے تو ہم دونوں وہیں جا رہے ہیں. گڈ, انجوائے کرو. اور ہاں حارب. جی بابا. بیٹا تم دونوں کا کیا پلان ہے ہنی مون کے بارے میں؟ جہاں جانا ہو مجھے بتا دینا, میں ٹکٹس ارینج کرا دوں. آپ اس کی فکر بالکل نہیں کریں انکل, ٹیر آلریڈی سارا بندوبست کروا چکے ہیں.